रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलबात। आज लेक्चर नंबर 11 है और जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 10 में सबक नज़रे पाकिस्तान को पढ़ा था, आज हम उसके इक्तिबास की तशरीह कर रहे हैं। इक्तिबास या नसर पारे की तशरीह आपको वीडियो में नजर आ रहा है। जमात का काम सबसे पहले लिखना है, लेकिन इससे पहले एक और चीज के आपने टाइटल पेज लाजमी बनाना है। टाइटल पेज बनाकर उसके बाद इस काम को शुरू करेंगे। जमात का काम, तारीख, उनवान, नसर पारे की तशरीह, नसर पारा या इक्तिबास दोनों में से कोई एक हो सकता है। नसर पारे की तशरीह करें, सबक उनवान, मुसन्निफ का नाम, खत-ए-शिद्द अल्फाज के मानी भी तहरीर करें। तो इसमें नसर पारा है, पाकिस्तान ने अपने कयाम से और इसका जो इख्तिताम लाइन पर हो रहा है, मुस्तहकम और शानदार बना सकते हैं। अब इसमें हवाला लिखेंगे, सबक का नाम नजरिया पाकिस्तान, मुसन्निफ का नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान, सिर्फ इसकी मजमून निगारी है। अब क्योंकि माखज नहीं है इसलिए हम इसका माखज नहीं लिख रहे, इसलिए सिर्फ सिर्फ तक हम लिखेंगे। खत-ए-शिद्द अल्फाज के मानी, अल्फाज है पेश नजर सामने रखना, मुस्तहकम मजबूत, शानदार का मतलब शान और शौकत वाला, शुमार होना, गिनती होना। इसके बाद हमारे पास है तशरी। तशरी में डॉक्टर गुलाम मुस्तफा तहकीक में नुमाया मकाम रखते हैं। उन्होंने मजहब, अदब, तसव्वुफ, अखलाक जैसे मौजूआत पर लिखा। उनका तर्ज तहरीर सादा, सलीस और आम फहम है। ज़ेर तशरीह नसर पारे में मुसन्निफ ने क़याम पाकिस्तान के नजरिए तारीखी पस मंजर पर रोशनी डाली है। मुसन्निफ ने हमें बताने की कोशिश की है कि यही वो नजरिया है जिसकी वजह से मुसलमानों ने अपना अलग मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान के हुसूल के लिए हमारे बाप दादा ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानियों की मेहनत से पाकिस्तान ने हर शोबों में बहुत तरक्की की है। ज़रई, माशी, सनती, दिफाई, तालीमी और खेलों के अतबार से पाकिस्तान का शुमार अहम ममालिक में होता है। पाकिस्तान छठी बड़ी एटमी ताकत है। दिफाई साजो सामान, टेक्सटाइल के मसनूआत, ज़रई अजनास और फल, आलात इताही और खेलों का सामान बरामद करता है। इसके पढ़े लिखे हुनरमंद तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। यूं पाकिस्तान अपने क्याम के मकाम से तरक्की करके बहुत आगे जा आ चुका है। अब हमारा काम है कि हम मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में मजीद तरक्की करे तो और हमेशा तरक्की की दौड़ में सबसे आगे रहे, तो हमें नजर पाकिस्तान को सामने रखना पड़ेगा। इसी नजर की बदौलत हम पाकिस्तान को मजीद ताकतवर, शानदार बना सकेंगे ताकि पाकिस्तान इस्लामी और फलाही रियासत बन सके। अजीज तुलबा, अब इसके बाद जो है हमारा जो काम है वो है घर का काम। इसके बाद आपने घर के काम में जो शामिल करना है वो है इक्तिबास की तशरीह या नसर पारे की तशरीह। तारीख लिखेंगे, इसमें इक्तिबास आपके सामने मौजूद है, वीडियो में आप देख रहे हैं। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी और ये नजर पाकिस्तान का पहला पैराग्राफ से लाइन्स ली गई है, डट का खड़ा हो जाता है। इन लाइंस को अपने इक्तिबास से शामिल करें, इसकी तशरीह की वजाहत करें। जो तरीका आपको बताया गया है कि इक्तिबास की तशरीह के वक्त तीन बातों का ख्याल रखना है। तशरीह का मतलब है खोलकर बात को वजाहत से बयान करना, और ये इक्तिबास जो है हमारे सबक में 10 नंबर का आता है पेपर में, तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। होमवर्क क्लास में चेक करवाया करें। किताब पर आपने कॉपी पर सबसे पहले टाइटल पेज बनाए, जमात का काम करें और फिर जो घर का काम होमवर्क असाइन किया गया है आपको, आप उसको कॉपी पर लिखें और अपने साझा काम को चेक भी करवाएं। तो उम्मीद करती हूँ आप ये काम इंशाल्लाह जरूर करेंगे और अपने साझा को काम चेक भी करवाएंगे। अगर कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो इसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे आपको काम बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।